नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली मेट्रो CRA पोस्ट के एग्जाम एनालिसिस के बारे में। हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि गुड अटेम्प्ट कितना होना चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। इन सभी पॉइंट के को हम ध्यान में रखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा ताकि सभी का कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा था। तो सबसे पहले हमारे पास जो सेक्शन है जनरल अवेयरनेस GA, तो GA में करेंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, GA से 10 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान से, उसके बाद कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन, साइंस से 25 क्वेश्चन, टोटल आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिले। जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, आप देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हैं और या तो आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। तो इन सब क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड देखने को नहीं मिला GA में, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आपको देखने को मिला। अगर आपने अच्छे से देखा होगा GA के सेक्शन को, अगर आपने अच्छे से कवर किया होगा तो आपको जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, ठीक है ना। गुड अटेम्प्ट के बारे में अभी हम कुछ देर में बाद में बात करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि रीजनिंग में क्या आया। तो रीजनिंग में देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा रीजनिंग में क्या क्या पूछे गए आपसे। एनालॉजी 5 मार्क्स, कोडिंग डिकोडिंग 3 मार्क्स, वन ऑन ऑड वन आउट 5 मार्क्स, सीरीज 1 से 2 मार्क्स, मिसिंग नंबर 2 से 3 मार्क्स, डिक्शनरी 4 मार्क्स, डायरेक्शन और डिस्टेंस 2 से 3 मार्क्स, ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स, मिसलेनियस 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए आपसे। टोटल बात करें तो टोटल यहाँ 30 क्वेश्चन देखने को मिले, टोटल हम लोग को यहाँ पे 30 क्वेश्चन देखने को मिल गए। उसके बाद देखिएगा मैथ्स, मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं, 2 sin θ into cos θ, sin 2θ का फॉर्मूला होता है, एक क्वेश्चन इस पर देखने को मिला। 10π का वैल्यू आपसे पूछा गया यहाँ पे, ठीक है। तो 10π का भी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए मैथ्स में क्या क्या पूछा गया। मैथ्स का लेवल आसान था, रीजनिंग का लेवल भी आसान था। सिंप्लीफिकेशन 2 से 3 मार्क्स, HCF LCM 1 मार्क्स, रेशियो प्रोपोर्शन 2 मार्क्स, उसके बाद देखेंगे मिक्सर 2 से 3 मार्क्स, परसेंटेज 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस 4 क्वेश्चन, SICI 3 से 4 क्वेश्चन, एवरेज नहीं देखने को मिला, टाइम एंड वर्क पाइप सिस्टम 3 से 4 मार्क्स, स्पीड टाइम्स 3 से 4 मार्क्स, हाइट एंड डिस्टेंस कोई भी क्वेश्चन नहीं, एल्जेब्रा 2 से 3 मार्क्स, ट्रिग्नोमेट्री 2 मार्क्स, मेंसुरेशन 2 से 3 मार्क्स, टोटल आपको देखने को मिला यहाँ पे 30 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम बात कर लेते हैं, तो इंग्लिश का भी पेपर काफ़ी ज़्यादा आसान देखने को मिला। 10 क्वेश्चन आपको सेंटेंस से, इम्प्रूवमेंट से, सिलोलिज्म से 4 क्वेश्चन, एंटीनोम्स से, सिनोनिम्स एंटीनोम्स से 4 क्वेश्चन, 4 4 क्वेश्चन, फिलर से 10 क्वेश्चन, आइडम्स फ्रेजेस से 5 क्वेश्चन, उसके बाद एक्टिव पैसिव 5 क्वेश्चन, नरेशन 5 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 4 से 5 क्वेश्चन, उसके बाद वर्ड सब्स्टिट्यूशन 3 क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं गुड अटेम्प्ट क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ्स प्लस में रीजनिंग के बारे में, तो मैथ्स में देखिए कम से कम आपको 28 क्वेश्चन बनाने चाहिए, रीजनिंग में कम से कम 28 क्वेश्चन बनाने चाहिए, मतलब औसतन दोनों मिला दें तो 56 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए, ठीक है। गुड अटेम्प्ट मेरे हिसाब से 56 होना चाहिए क्योंकि मैथ्स रीजनिंग सभी को आता है। मैथ्स रीजनिंग अगर आपने अच्छे से तैयार किया होगा और काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे होंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं था। उसके बाद GK के बारे में बात करें तो GA आपसे पूछा गया 60 नंबर का क्वेश्चन। तो GA में जो अटेम्प्ट होना चाहिए मिनिमम 52 क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए GA में, ठीक है। अभी मैं गुड अटेम्प्ट आप लोग को बता रहा हूँ कि मिनिमम आप लोग को 52 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए GA में, ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग अटेम्प्ट हाई नहीं रखेंगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा क्योंकि आप लोग को पता है कि यहाँ वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है और आपने देखा था कि पिछले कुछ एग्जाम में कट ऑफ कितना ज़्यादा गया। दिल्ली मेट्रो का एग्जाम जो होता है बहुत अच्छा एग्जाम होता है, तो यहाँ पे कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सेलेक्शन लेना है तो आपको अटेम्प्ट भी अच्छा रखना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए मैंने बता दिया कि 52 क्वेश्चन GK से, 56 क्वेश्चन मैथ्स रीजनिंग से, मतलब टोटल हो गया 120 में से 108 क्वेश्चन आपने बनाया, 120 में से 108 क्वेश्चन बनाया। अगर 108 नहीं बनाएंगे तो मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन ही आपने बनाया, 100 क्वेश्चन तो आपको बनाना होगा मिनिमम 120 में से। मेरे हिसाब से 108 क्वेश्चन बनाया तो आपने बहुत अच्छा बनाया, अटेम्प्ट काफ़ी अच्छा किया। उसके बाद देखिए उसके बाद इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में एरर डिटेक्शन में आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है और एंटीनोम्स सिनोनम्स में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है ना। तो ये 8 नंबर के यहाँ पे है और मान लीजिए कि 8 5 13 नंबर, 13 नंबर मान लीजिए हटा देते हैं 60 में से, तो
तो कम से कम आपको 48 से 50 क्वेश्चन इंग्लिश में अटेम्प्ट करना चाहिए, 48 से 50 क्वेश्चन सही सही है। इंग्लिश बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, अगर आपको बेसिक ग्रामर भी पता होगा तो आप इसके क्वेश्चन को बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड इंग्लिश नहीं होता है, ठीक है ना। तो 48 से 50 क्वेश्चन के बीच में आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 108, 108 प्लस में 48 कितना होता है, 156 हो गया, ठीक है ना। 108 प्लस में 48 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए इस एग्ज़ाम में लगभग, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 156 क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट किया, मान लीजिए कि आपने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कुल मिला के मान लीजिए कि 150 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, क्योंकि यहाँ पे टाइम होता है, इतना टाइम होता है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जॉब जॉब पाना है तो आप लोग को ज़्यादा अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है ना। ऐसा मैं बोल दूँ आप लोग को खुश करने के लिए कि आप लोग 100 क्वेश्चन में भी पास हो जाएंगे, तो ये गलत होगा। 100 क्वेश्चन में ज़रूरी नहीं है, उसमें आप रिक्स में होंगे, हो सकता है लक आपका सही दिए, साथ दिया तो नॉर्मलाइजेशन में आप क्वालिफाई हो जाए, बट 150 क्वेश्चन मुझे लगता है कि मिनिमम आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, 150 से 156 क्वेश्चन के आसपास जो आपका स्कोर आना चाहिए। आपका स्कोर कितना आना चाहिए, मान लीजिए कि आपने 108 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो मैथ्स रीजनिंग में मान लीजिए कि आपका 52 आया, ठीक है। जीके में आपने 60 में से 40 क्वेश्चन सही किया या 38 क्वेश्चन सही किया, जीके में आपने 38 क्वेश्चन सही किया तो आपका 90 नंबर आ गया, 120 में से 90 नंबर आ गया, तो ये आपको चाहिए, 120 में से 90 नंबर चाहिए कम से कम। इंग्लिश में मान लीजिए कि आपने कितना लाया, 40 नंबर लाया, मतलब 130, तो 130 तक अगर आपका किसी तरह नेगेटिव करके आता है स्कोर, 130 से 132 के बीच में, तो आप 100% क्वालिफाई होने वाले हैं। गुड अटेम्प्ट आप कितना भी कीजिए, बट 130 प्लस आपका स्कोर आता है, 130 के आसपास भी आता है तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ठीक है। अब मुझसे अगर पूछेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मुझे लगता है 126 से लेके 132 के बीच में आपका कट ऑफ होने वाला है अनरिजर्व कैटेगरी का, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी का 126 से लेके 120 के बीच में कट ऑफ होगा। ऐसे मैं कोशिश करूँगा कि कट ऑफ पर एक अलग से आप लोग को वीडियो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना। तो अनरिजर्व कैटेगरी का मैंने बता दिया, अगर आप लोग को चाहिए होगा एक और वीडियो तो उसमें मैं कैटेगरी वाइज आप लोग को बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक यू।